Greetings. I heartily welcome to all of you in my playlist. Today we are discussing about the episode 4. Topic is Hodgkin's disease. Let's start the topic. What is the Hodgkin's disease? It is a cancer of the lymphatic system. Basically isme kya hota hai, generally jo lymphocytes B hota hai wo abnormally kya hota hai, multiplication ho jata hai aur uska jo size aur shape hai वो भी क्या है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, राइट? एंड इट इज ओवर ग्रोथ दैट लीड्स टू द लिम्फोमा, यानी कि हॉडकिंस डिजीज. नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हॉडकिंस डिजीज? जनरली एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, स्पेशली यू कैन फाउंड इन द नेक, एक्सिला एंड ग्रोन रीजन. फिजिकल साइन सिम्टम्स, फीवर, नाइट स्वेट्स, बॉडी एक, फटीक, इचिंग और सबोर्डिनेट इन्फेक्शंस. नाउ व्हाट इज द कॉजेज? जनरली देयर इज ए नो एनी कॉजेज, बट म्यूटेशन यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए ऑफ द बी लिम्फोसाइट मे बी चेंज, एंड ड्यू टू द जेनेटिक स्ट्रक्चर द पर्सन हैज ए एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स काउंट्स, एंड दैट लीड्स टू द Hodgkin's lymphoma. This is the main causes. Now, how to diagnose the Hodgkin's disease? So there is a different ways. Basically, the main way is imaging therapy. यानि कि CT scan, MRI, or basically the biopsy. Suppose you are taking a biopsy of the person of a lymph tissue. You can observe that there is a red Sternberg cell found, and this is the red Sternberg cell is a clinical sign of the Hodgkin's disease. And especially this cell, you can differentiate as the Hodgkin's disease or non-Hodgkin's disease. If in the biopsy you can found red Sternberg cell, that is your confirmation diagnosis, the person has a Hodgkin's disease. If the person doesn't have a red Sternberg cell in the biopsy, that means person has a disease but non-Hodgkin's disease. This is also a cancer of the lymph tissue, right? Or yahan hum sabse badi baat kya dhyan mein rakhenge ki ek research hua hai. उसमें क्या बताया है कि जो एप्स्टीन बार वायरस है, राइट, इसका अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, ओके, तो इट मे बी लीड्स टू द हॉडकिंस डिजीज. ये भी आपको याद रखना है. नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट? जैसे सेम एज पर द ऑल द कैंसर, यू कैन गिव देम ए कीमोथेरापी टू किल द लिम्फोसाइट्स एबनॉर्मल. सेकेंड थिंग, रेडिएशन थेरेपी आप दे सकते हैं, राइट? और लास्ट जो रेयर है उसमें क्या करते हैं, आप स्टेम सेल थेरेपी दे सकते हैं. लेकिन आप जानते हैं कि ये जो थेरेपी है वेरी एक्सपेंसिव है और कॉमन पर्सन कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट? तो दिस इज द लास्ट चांस. नाउ यहाँ हमको सबसे बड़ा ये ख्याल आना चाहिए, राइट, कि व्हाट इज द प्रोग्नोसिस. जनरली हम जो हमारे पास डेटा है रिसर्च का, वो ऐसा बताता है कि इट इज़ ए कॉमन क्योरेबल कैंसर. अगर अर्ली स्टेज में ही आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, राइट, तो जो उसका रेट ऑफ लिविंग है उसको हम बोलते हो कितना है, 91% है. अगर किसी पेशेंट ने पूरी ट्रीटमेंट ले ली, ओके, तो उसका जो सर्वाइव रेट है वो 5 साल ज़्यादा बढ़ जाता है. दूसरी बात, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस, तो उसमें क्या होता है, जनरली जो ये हॉडकिंस डिजीज है उसका 4 स्टेज है. जो स्टेज नंबर 1 है उसमें क्या होता है, जो ये कैंसरस सेल है, राइट, वो टिपिकल रीजन में या टिपिकल ऑर्गन में होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेज 1. अगर उसी टाइम पे आपने प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले लिया, कैंसर का कोर्स को कंप्लीट कर दिया, तो क्या होगा, आपका प्रोग्नोसिस अच्छा हो जाएगा. सेकंड स्टेज क्या है, उसमें क्या होता है, जो ये एबनॉर्मल सेल है वो 1 और मोर ऑर्गन्स में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 जगह पे
एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज टू बोलते हैं। और स्टेज थ्री है, उसमें क्या होता है, जो हमारा डायाफ्राम है उसको दोनों साइड में जो लिम्फ नोड है उसमें पूरी मात्रा में क्या होता है, एबनॉर्मल सेल का एक्यूमुलेशन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट स्टेज है, स्टेज नंबर फोर, इसमें क्या होता है, ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ है लिम्फ टिश्यू का, वो टिश्यू में भी आउटसाइड आ जाता है, ऑर्गन में भी चला जाता है, पूरे बॉडी में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेज फोर। और इसमें क्या होता है, जब उस टाइम आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो आपका प्रोग्नोसिस रेट है वो थोड़ा पुअर होता है। आई होप दोस्तों यू गेट द ब्रीफ आइडिया रिगार्डिंग द हॉजकिंस डिजीज, व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, व्हाट इज द डायग्नोसिस और व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन, आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड द MCQ ऑफ द हॉजकिंस डिजीज। इससे क्या फायदा होगा कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन आती है तो दिस टॉपिक विल बी यूजफुल टू यू। ओके, सी यू सून, टेक केयर, गुड बाय अगेन, थैंक यू।